ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इमरान मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जीआईटी के अंदर आने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ड्यूडेनल अल्सर, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्यूडेनल अल्सर के बारे में और इसके बेसिकली मैनेजमेंट। जो क्लासेस हमारी चल रही है ये हमारी है जीआईटी सिम्टम मैनेजमेंट की क्लासेस हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली जो फोकस करते हैं वो करते हैं इन सिम्टम्स का क्या मैनेजमेंट होता है, क्या हमारे लिए इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन कितने डोज में, क्या उसका हमारा टाइम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन सब डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यदि बात किया जाए ड्यूडेनल अल्सर के बारे में, तो अल्सर से आप लोग समझ ही रहे होंगे और नाम के आगे लगा हुआ है ड्यूडेनल, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके ड्यूडेनम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक। तो बेसिकली यदि बात किया जाए तो अल्सर में क्या होता है कि एक प्रकार का पेनफुल सोर होता है और अल्सर होता है, ठीक, जो कि डेवलप होता है लाइनिंग ऑफ स्टमक या फिर लाइनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम, ठीक। बेसिकली वहां पे क्या होता है कि एक थिक लेयर होती है, एक थिक म्यूकस की लेयर होती है जो कि आपकी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, ठीक है, जो कि जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है उससे उस लाइनिंग को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक। बट जब वो लाइनिंग हट जाती है या फिर किसी कारणवश, बहुत सारे कॉजेज उसके हैं, अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कारण जब वो हट जाती है तो क्या होता है कि वहां पर वो अल्सरेट हो जाता है, वहां पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो हमारा स्टमक एसिड होता है वो वहां के टिश्यूज को डैमेज कर देता है जो कि हमारा अल्सर फॉर्म कर देता है, ठीक। बेसिकली क्या होता है कि अल्सर के कॉजेस की यदि बात करें तो मेनली जो उसके कॉज होते हैं दो प्रकार के माने जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका एच पाइलोरी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि एक बैक्टीरिया होती है, इसके कारण हो सकता है, या फिर जिसे एक लॉन्ग टाइम से जो लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यानी कि नेसेड्स का यूज करते हैं, ठीक, जो लोग एस्पिरिन का यानी कि बहुत सारे ऐसी मेडिसिन होती हैं उनका यूज करते हैं, या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड का यूज करते हैं उनके अंदर उनमें भी कहीं ना कहीं अल्सर की कंडीशन देखने को मिलती है। और जो स्मोकर होते हैं, जो लंबे समय से स्मोकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, या फिर जो एल्कोहल के आदि होते हैं, जो शराबी टाइप के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो शराब वगैरह पीते हैं, उनमें भी अल्सर आपको मिल सकता है, ठीक। या फिर कभी कभी क्या होता है, कोई लीवर की डिजीज हो गई, किडनी की डिजीज हो गई, या फिर लंग्स की भी डिजीज हो गई, उनके कारण भी सेकेंडरी अल्सर आपके बॉडी में देखने को मिल सकता है, ठीक। तो बेसिकली जो आपका मैंने बताया था एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, ये बेसिकली जो होता है 50% कॉज करता है आपके अल्सर को, ठीक है। और बाकी जो आपके सेकेंडरी चीजें आती हैं लाइक जो आपका नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी जो आपके ड्रग वगैरह होते हैं उनमें उनके कारण हो सकता है, जिससे आपका उसमें आता है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ठीक है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती है, या फिर जैसे हम लोग लंबे समय से स्टेरॉइड वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक, लाइक आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक, ये भी आपके कॉजेस में आ सकते हैं अल्सर के कॉजेस में। यदि बात किया जाए इससे होने वाले सिम्टम के बारे में, यानी कि क्या लक्षण आप लोगों को पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, तो पेशेंट आपका बर्निंग पेन बताएगा अपर स्टमक या फिर ड्यूडेनल रीजन में, ठीक, अपर एब्डोमेन में, और खास करके पेन जब आप एंटा एसिड या फिर
कोई चीज खाते हैं, ठीक है, तो पेन क्या होता है, टेम्परेरली डिसअपियर हो जाता है, बाद में फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ पेशेंट बताएगा हार्ट बर्न, नॉजिया एंड वोमिटिंग एंड ब्लोटिंग। ठीक, जब बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो वहां पर आपका डार्क या फिर ब्लैक स्टूल भी हो सकता है, ठीक, ड्यू टू ब्लीडिंग। वोमिटिंग मिलेगी, वेट लॉस मिलेगा, सीवियर पेन इन योर मिड टू अपर एब्डोमेन, ठीक है, यानी कि मिड एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन में पेशेंट आपका सीवियर पेन कंप्लेन कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग नॉर्मली जो करते हैं वो आपका एंडोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है, एच पायलोरी टेस्ट होता है, ठीक, या फिर हम फर्दर के लिए और डीप में जाना चाहें तो हम लोग एक्सरे या फिर सीटी स्कैन वगैरह प्रिफर करते हैं। ठीक, आगे हम फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिपोर्ट्स वगैरह आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका डायग्नोसिस बना करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं। तो ये एक नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन था ऑल अबाउट ड्यूडेनल अल्सर। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि हम इसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या हमारा जनरल मैनेजमेंट रहेगा, क्या हमारा स्पेसिफिक मैनेजमेंट रहेगा, एंड फर्दर हम लोग क्या क्या मेडिकेशन ड्यूडेनल अल्सर में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है अवॉइड सीरीज सोर फूड स्मोकिंग एंड एल्कोहल। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, और हमें स्मोकिंग एंड एल्कोहल को अवॉइड करना है। ठीक, सेकेंडरी हमें अवॉइड करना है ऑल गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉयड, एस्पिरिन एटसेट्रा। ठीक है, हमें ये मेडिकेशन भी अवॉइड करनी है, ठीक है, इन द केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। फिर यहां पे कह रहे हैं कि टेक रेगुलर स्लीप, अवॉइड एनी टाइप ऑफ मेंटल टेंशन। ठीक है, आपको रेगुलर टाइमली सोना है, ठीक है, और साथ साथ आपको किसी प्रकार का कोई मेंटल टेंशन नहीं लेना है, लेट नाइट की आपको ड्यूटी नहीं करनी है, ठीक है, और आपको एक अच्छे समय तक आपको आराम करना चाहिए। साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग टी हो गई, कॉफी हो गया, ठीक है, या फिर आप कोई हैवी फूड इंटेक कर रहे हैं खाली पेट, तब भी आपको नहीं खाना है, कोई आपका लाइक ड्राई फूड हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिल्क भी नहीं आपको नहीं इंटेक करना है, ठीक, हैवी मील्स आपको नहीं लेना है, आपको एक रेगुलर मील्स, ठीक है, लेना चाहिए। देन हमारा आ रहा है जनरल मैनेजमेंट के अंतर्गत ट्रीटमेंट के बारे में यदि बात करें हम, तो सिंपली हम लोग फर्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा होता है एंटा एसिड, यानी कि हम लोग डाइजीन 2TSP TDS तब तक यूज करेंगे जब तक कि सिम्टम हमारा डिसअपियर ना हो जाए, यानी कि कब तक, टिल सिम्टम डिसअपियर। ठीक है, डाइजीन 2TSP TDS यानी कि दिन में 3 बार। सेकेंड हमारा मेडिसिन आता है टेबलेट रेंटेक, यानी कि बहुत सारे इसके नाम आते हैं, जेंटेक हो गया, ठीक, एसिलाक हो गया, 150 mg BD, ठीक, 8 सप्ताह तक, ठीक, 8 वीक। ये क्या होता है, रेनिटिडिन यानी कि S2 ब्लॉकर, या फिर इसके अलावा हम लोग ये ना दे करके कोई एक PPI लाइक ओमोप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, रेविप्राजोल हो गया, ठीक है, उसको हम लोग OD में पेशेंट में चला सकते हैं। फिर एक हमें ट्रैंक्विलाइजर यानी कि टेबलेट अल्प्राजोलम 0.25 mg HS यानी कि रात में देना है 10 दिन के लिए। बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस, टेंशन, स्ट्रेस को भी हमें पेशेंट में कम करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग अल्प्राजोलम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसके साथ में आप एक कोई कैप्सूल या फिर टेबलेट बी कॉम्प्लेक्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल बीकासूल, एक कैप्सूल आप OD में पेशेंट में दे सकते हैं जो कि यहाँ पर छूट गई है, ठीक है, एक कैप्सूल आपको बीकासूल भी 1 कैप्सूल OD में पेशेंट में आपको दे देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा बॉडी में विटामिन वगैरह को मेंटेन करेगा, ठीक है, तो जो अल्सर होता है उसको हील होने में हेल्प मिलती है। साथ साथ आपको मैंने बताया एंटा एसिड ले लेना है, ठीक, S2 ब्लॉकर या फिर PPI, साथ में एक
ट्रैंक्विलाइजर यानी कि अल्प्राजोलम 0.25 mg HS में आपको 10 डेज के लिए यूज करनी है। फिर हम आगे बात करते हैं कुछ और दवाएं हैं जिनको हम वहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिरप सुप्रालफेट, लाइक स्पारा एसिड, ठीक, 5 ml QID, ठीक। ये कब लेना है हमें? 15 मिनट बिफोर मील, 4 सप्ताह के लिए हमें लेना है। ये क्या होता है? सुक्राल फैट होती, ठीक। और साथ साथ हम लोग टेबलेट ऑक्सीफिनोनियम, फॉर एग्जांपल टेबलेट एंट्रिनिल 1 QID, ठीक है। ये कब लेना है? इफ कोलिकी पेन या फिर इफ कोलिक पेन, जब वहां पर कोलिक पेन हो रहा है तो हमें यहां पर टेबलेट ऑक्सीफिनोनियम, ठीक, हमें यहां पर टेबलेट एंट्रिनिल 1 QID में लेना है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीफिनोनियम, ठीक, ये इसका साल्ट है। फर्दर की हम लोग गैस्ट्रोस्कोपी वगैरह में करा करके, ठीक है, देख लेते हैं कि और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक। फर्दर की हम लोग आगे आगे जैसे वो लोग इन्वेस्टिगेशन कराएंगे वो सब चीजें हमें देख करके हमें पेशेंट को मैनेज करना है। तो ये हमारा था जनरल ट्रीटमेंट, ठीक है। हमें क्या क्या अवॉइड करना है वो हमने बता दिया, साथ साथ क्या क्या मेडिसिन लेनी है। यहाँ पर एक आप बी कॉम्प्लेक्स का ऐड कर लीजिएगा, ठीक, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स आप ऐड कर लीजिएगा 1 capsule OD में, ठीक है। फिर हम साथ में इसके ये कुछ मेडिसिन है, लाइक आपका सुक्रालफेट है, ठीक है, ये आपको ऐड कर लेना है 15 मिनट बिफोर मील, और आपको यदि कोलिक पेन है तो ऑक्सीफिनोनियम 1 tablet QID में ऐड कर लेना, ठीक। फिर हम आगे बात करते हैं, तो आफ्टर 8 week इफ अल्सर हील्ड, हमें ये ट्रीटमेंट बंद कर देनी, यानी कि स्टॉप ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस थेरेपी फॉर 6 months to 1 year, ठीक है, 8 सप्ताह के बाद, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया S2 ब्लॉकर 8 सप्ताह के लिए, मतलब कि 8 week के लिए, ठीक है, तो हमें 8 सप्ताह के बाद ये सब ट्रीटमेंट बंद कर देना है, और हमें मेंटेनेंस थेरेपी के लिए एक सिंगल डोज में, ठीक है, चाहे हम लोग PPI दे दें, चाहे हम लोग S2 ब्लॉकर, फॉर एग्जांपल टेबलेट टेनिटिडीन 150 mg HS यानी कि रात में हमें देना है 6 मंथ के लिए, या फिर टेबलेट फॉर्मेटिडीन 20 mg 6 मंथ के लिए, या फिर कैप्सूल ओमेप्राजोल 10 mg OD में 6 मंथ के लिए। हमें इनमें से कोई एक, ठीक है, मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में चला देना 6 months to 1 year के लिए, ठीक। कब चलाना है? आफ्टर 8 week इफ अल्सर हील्ड, ठीक है। तो हमें पहले की ट्रीटमेंट बंद करके ये हमें सिंगल एक ड्रग चलानी होती है। साथ साथ हमें सभी प्रकार के स्ट्रेस को, स्ट्रेस फैक्टर को अवॉइड करना है, इरेगुलर मील को अवॉइड करना है, लेट नाइट ड्यूटी या फिर ज्यादा रात तक जगना वो अवॉइड करना, स्टार्वेशन, स्मोकिंग एंड एल्कोहल वगैरह हमें चीजें अवॉइड करनी है। फिर हम देखते हैं आगे, तो यहां बता रहे हैं कि इफ अल्सर इज नॉट हील्ड आफ्टर 8 week, यदि 8 सप्ताह के बाद अल्सर ठीक नहीं हुआ है यानी कि हील्ड नहीं हुआ, तो हमें चेंज करनी है हमारी ड्रग को, यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि चेंज द ड्रग इफ रेनिटिडिन वाज गिवन गिव ओमेप्राजोल, यानी कि जब अभी तक हम लोग उसे यदि S2 ब्लॉकर दे रहे थे तो हमें फर्दर के लिए वहां पर PPI स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में हमें वहां पर ऐड करना है टेबलेट सुक्रालफेट 1 gram QID बिफोर पिल, ठीक है, फॉर 4 week, 4 सप्ताह के लिए टेबलेट सुक्रालफेट कितना 1 gram में QID में, ठीक। और साथ में हमें 1 tablet, ठीक, पाइलोसिन 1 tablet BD फॉर 4 week, ठीक है। ये क्या होता है? कोलाइडल विस्मत होती है इसमें, ठीक है, 1 tablet pylocid 1 tablet BD फॉर 4 week, कब देना है? इफ अल्सर इज नॉट हील्ड आफ्टर 8 weeks, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है? ड्रग को चेंज करनी है, यदि हम लोग S2 ब्लॉकर दे रहे हैं तो हमें वहां पर PPI स्टार्ट करनी है, साथ में 1 tablet सुक्रालफेट की 1 gram QID में एड कर देनी है 4 सप्ताह के लिए, और pylocid 1 tablet BD फॉर 4 week। जैसा मैंने बताया था कि एच पायलोरी जो होता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का कॉज होता है अल्सर में, तो हमें फर्दर गैस्ट्रोस्कोपी में यदि एच पायलोरी इन्फेक्शन
शो हो रहा है, ठीक है। यानी कि यदि हमें गैस्ट्रोस्कोपी हमने करवाई, वहां पर एच पायलोरी इन्फेक्शन मिल रहा है, तो हमें वहां पर स्टार्ट करनी है ट्रिपल थेरेपी, ठीक है। इसकी एक किट आती है, ठीक, ट्रिपल थेरेपी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीन शार्ट होते हैं, तीन का कम्युनिकेशन, एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। क्या बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल पायलो किट, वन किट डेली फॉर 7 डेज। इसमें क्या होता है, लेंसोप्राजोल यानी कि पीपीआई है, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड टिनिडाजो, ठीक है। ये तीन ड्रग इसमें होती है, किसमें, पायलो किट। ये कब देना है, इफ गैस्ट्रोस्कोपी है शोन, यानी कि गैस्ट्रोस्कोपी में शो हो रहा है क्या, एच पायलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, एच पायलोरी इन्फेक्शन के लिए पायलो किट नाम से आता है, ठीक, एचपी किट भी आता है, ठीक है। वन किट डेली हमें देना है फॉर 7 डेज के लिए। इसमें क्या होता है, तीन मेडिसिन होती है, क्या, कौन कौन सी, लेंसोप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस टिनिडाजोल। इसके अदर कम्युनिकेशन भी आते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन भी आते हैं, ठीक है, मतलब अदर में क्या है, ठीक, क्या बता रहे हैं, फर्स्ट आपका है ओमेप्राजोल प्लस एमोक्सिसिलिन प्लस टिनिडाजोल, सेकंड आपका लेंसोप्राजोल एमोक्सिसिलिन प्लस टिनिडाजोल, थर्ड आपका पेंटाप्राजोल एमोक्सिसिलिन प्लस टिनिडाजोल, ठीक। ये आपका अदर में आता है, इनमें से कोई आप एक यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक की डेली फॉर 7 डेज, ठीक है। और साथ साथ क्या है कि फर्दर के लिए हम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन कराते रहे, जैसे हमने ये सब मेडिसिन यूज की, पेशेंट को यदि इससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फर्दर हम डिटेल में जाने के लिए सीटी करवा लेंगे, ठीक है। एमआरआई वगैरह में भी यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हमें मिल रहा है, कोई हमें अदर सिम्टम मिल रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फर्दर ट्रीटमेंट फॉलो अप करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा, ओके। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके या फिर मैसेज बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।